हम लोग अपनी कैलकुलेटेड फील्ड्स टैबलो की जो क्लास है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये कि टैबलो में कैलकुलेटेड फील्ड्स कई तरीके की होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो उनको कैसे याद रखा जाए या किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग की जाए। सबसे पहले तो क्या होता है, हम लोग एक तरीके की कैलकुलेटेड फील्ड्स पे बात करेंगे जो है बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, ये बेसिक कैलकुलेशंस जो होते हैं ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस टाइप के। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशंस में आप याद रखिए, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, और जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आगे, मतलब ये पूरा लेक्चर का जो वीडियो ट्यूटोरियल है और जो इसका टेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे। अब तुम्हें पता है कि प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, राइट, यही होगा प्रॉफिट। और अगर हम कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होगा, सपोज कीजिए हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट, यही है कुछ इस टाइप का हम लोग का हिसाब किताब निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहाँ से ऐसे ये रख लेते हैं। तो इस टाइप की कैलकुलेटेड फील्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो माइनस है या आगे और भी ऑपरेटर्स आएंगे, जैसे क्या क्या, प्लस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं इसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इज इट ओके? तो जैसे हमारा ये डेटा है, हम यहाँ से शीट पे चले जाते हैं, तो अभी हमारे पास ये शीट है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि इतने की सेल्स हुई। ओके, ये सेल्स है और हम क्या करते हैं, हर ऑर्डर वाइज उसकी सेल्स निकालते हैं। ये सिंपल क्या करेगा, यहाँ से अगर हम जाके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक टेबल बना देगा। ओके, ये एक सिंपल सा टेबल है जो हमें बता रहा है कि ऑर्डर वाइज व्हाट इज द सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑर्डर वाइज सम ऑफ सेल्स से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हर एक ऑर्डर पे कितनी कितनी सेल्स हुई। पर मान लीजिए ये जो अमाउंट है ये विदाउट टैक्स है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स विद टैक्स, वो है सेल्स, ये है सेल्स विद टैक्स। ओके, तो ये कैसे निकाली जाएगी, जो भी हमारा सेल्स का अमाउंट है, ओके, प्लस सेल्स का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 0.18। ये चीज समझ में, ये सिंपल सा है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो उस पर 18% टैक्स लगा दिया, राइट, एक एग्जांपल। तो हमने 0.18/100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इस टाइप से, और इस पूरे कैलकुलेशन को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि पहले ये कैलकुलेशन हो जाए, राइट, ये चीज समझ रहे हो। और इस 0.18 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 18/100। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इसको भी हम एक अंदर इनर ब्रैकेट में रख देते हैं ये। तो इससे क्या होगा, पहले 18/100 कैलकुलेट होगा, वो अमाउंट सेल्स से मल्टीप्लाई होगा जो बॉड मास में हम लोग पढ़ते थे, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, जी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसको ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस फॉरवर्ड स्लैश और ये एस्टरिक साइन, ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, इस जी तरीके से एक कैलकुलेटेड फील्ड तैयार हो गई। ये जो कैलकुलेटेड फील्ड है ये एक्चुअली में एक कैलकुलेटेड कॉलम है। कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम क्यों है, क्योंकि ये हर रो के लिए इसकी एक वैल्यू आएगी।
वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? जैसे ये क्या है, 261.96 जो है सेल्स है, तो ये क्या कर रहा है, 261.96 प्लस उसका 18% जोड़ दे रहा है। इट इज क्लियर है, हाँ उसका राइट? तो ये वैसा कुछ है। तो अब बस इसको या तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अदरवाइज आप इसी सेम अमाउंट को जो सेल्स विद टैक्स है उसको आप यहाँ से इसमें ड्रैग कर सकते हैं और वापस से इसको टैबलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका ये सेल्स विद टैक्स भी आ जाएगा। इज इट ओके? जी सो फर्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये बेसिक कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं जो हम लोगों की प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई जैसे अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशंस पे आते हैं, ठीक है? हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा ऑपरेशन लिखा है, सो ये एक फील्ड रहेगी। ओके, जी नाउ ये एक हमने सीखा, तो ये सारे ऑपरेटर्स आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, ये जो चार एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? ये जो सिंबल्स हैं, ये जो साइंस हैं, ये सारे ही हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ओके, इनका यूज़ हम लोग करते हैं ताकि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो एक टाइप की कैलकुलेटेड फील्ड होगी बेसिक कैलकुलेशंस, जिसमें जैसे हम ये सब कर सकते हैं, या जैसे हमने एक एग्जांपल बताया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और ये सब निकाल सकते। दूसरी टाइप की कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं जिसमें हम स्ट्रिंग कैलकुलेशंस करते हैं। व्हाट? स्ट्रिंग कैलकुलेशंस। अब ये स्ट्रिंग कैलकुलेशंस क्या होते हैं, या स्ट्रिंग रिलेटेड कई फंक्शंस होते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग का मतलब ये होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। जब जब हम लोग टैबलो में डील करते हैं, तो जैसे आप डेटा सोर्स लेवल पे जाइए, तो बहुत सारी फील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे एबीसी लिख के आएगा, दिख रहा है? जी देखो, एबीसी, एबीसी। सो बेसिकली ये ऑर्डर आईडी, ये शिपिंग मोड, कस्टमर आईडी, ये सब स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ओके, जी अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है क्लेयर ग्यूट, ठीक है? क्लेयर ग्यूट ऑर्डर्ड जो भी प्रोडक्ट का नाम है। ओके, प्रोडक्ट का नाम क्या है, समथिंग, ठीक है? क्लेयर ग्यूट ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट वर्थ दिस वैल्यू, ठीक है? जी तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं अपने मन से, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, क्लेयर ग्यूट ऑर्डर्ड, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा वर्थ ऐसे 251, ऐसा हमें प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम एक कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इस कैलकुलेटेड फील्ड में हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करने वाले, वो कहलाएगा कॉन्कैटिनेशन। क्या? कॉन्कैटिनेशन। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो कड़ी से कड़ी जोड़ना, राइट? या स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ना। ओके, ठीक ऊपर ये जो प्लस ऑपरेटर है, इससे मैथमेटिकल सम हो रहा था, पर यही प्लस ऑपरेटर जो है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यूज किया जाए, तो ये दो स्ट्रिंग को जोड़ के तो इसको जो है हम लोग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे इस फील्ड का नाम लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है? हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, कस्टमर नेम, ठीक है? जी कस्टमर नेम, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे ऑर्डर्ड,
ओके, फिर प्लस, फिर लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर ये वर्थ आएगा, राइट, वर्थ, फिर लिखेंगे प्लस सेल्स। ये चीज समझ में आई या नहीं, थोड़ी बहुत, राइट? जी तो ये जो हमने सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो हम लिखते हैं वो लिटरल स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है? ये ठीक चीज क्लियर है? जी और लिटरल स्ट्रिंग्स को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक सिंगल कोट्स में हमने इसके आगे और पीछे स्पेस जोड़ दिया, ठीक है? तो अब हम इसको ले जाते हैं और एक कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे बनाते, और यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेटेड फील्ड पे गए और यहाँ से एक नया शीट ले लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और इस कैलकुलेटेड फील्ड का नाम हम लोगों ने रखा है स्टेटमेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट इस फील्ड का नाम हो गया। ओके, और ये देखो ऐसा आ रहा है, अभी ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है, तो हम एक तो पहले सम ऑफ सेल्स करते हैं। अब ये एरर है, ठीक है? एरर क्या है, बाकी सब तो स्ट्रिंग है, दिख रहा है? कस्टमर नेम एक स्ट्रिंग है, प्रोडक्ट नेम एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो str नाम से एक फंक्शन है, क्या है, str। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एज मेजर एज स्ट्रिंग, ठीक है? तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते, अगर हम लिख देते str, अभी हम चलो सेल्स को ही लिखते हैं, ठीक है? तो str सेल्स, और अभी इसको समझाते, पहले देखते, तो ये कैलकुलेशन वैलिड हुआ। नाउ वील टेक दिस टू नोट पैड। ओके, अब देखो ये स्ट्रिंग एक लिटरल स्ट्रिंग से जुड़ी, ये लिटरल स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से जुड़ी, इससे जुड़ी, पर इससे नहीं जुड़ पा रही थी क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। सेल्स क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो हमने उस फ्लोट वैल्यू को क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू में बदल दिया। ओके, और अब जब हम इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स सी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे ऐसे आया, एरन बर्जमैन ऑर्डर्ड एक्रो स्टैकिंग बिन्स वर्थ दिस, ठीक है? अगर इसमें हम रो आईडी को ले आते हैं, लाइक हर रो में ये हुआ है ना, सो ये आ गया रो आईडी 1 में, क्लेयर गिव्ड ऑर्डर्ड बुश सोमरसेट कलेक्शन बुक केस वर्थ 261.95, राइट? क्लियर है? अब इसमें क्या है कि ये जो नंबर है कुछ हमें ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा है, राइट? जैसे 261.95 ऐसे, तो हम क्या करते, कोशिश करते इसको राउंड नाम के एक फंक्शन का यूज करके। ओके, राउंड का मतलब क्या होता है कि हम कितने डेसिमल्स तक राउंड करना चाहते हैं। ओके, ये ब्रैकेट का देखो खास ध्यान रखना पड़ेगा, हम इसको वापस यहाँ पे ले आते हैं। तो अब जैसे ये राउंड है, राउंड का ब्रैकेट यहाँ पे चालू हुआ, ऐसे खत्म होएगा, ये राउंड का ब्रैकेट यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। राउंड के अंदर दो आर्गुमेंट्स होते हैं, पहला वो नंबर और दूसरा कितने डेसिमल। ओके, एंड ये वीडियो को आप दोबारा प्ले करोगे, ये सारा कोड भी मैं शेयर करूँगा इसको सेव। तो हमने ब्रैकेट्स का सही से यूज़ करके नाउ अप्लाई किया, कैलकुलेशंस सही हो गए, पर अभी भी वो कुछ कर रहा है। विल सी लेटर कि अगेन इसको आगे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे।
ऐसा वो क्यों करा है, एक मिनट फिर से करते हैं। हमने बेसिकली पहले राउंड किया है, ये वन डबल डांस ही नीचे लिखा हुआ है। नहीं ये है तो सही, बट अगेन अगर कोई भी चीज़ इस तरह नहीं काम करे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। अभी देखो वन करने पे वो सही हो गया, सो विल सी। ओके, इसको अपने से भी जैसे ट्राई करेंगे, और भी टू करने पे वो बढ़ा दे रहा। तो देर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विच वील एड्रेस लेटर, बट चलो ठीक है, इसको हम वन कर देते हैं। और जैसे एस टी आर एक फंक्शन है, अब मेन समझने की बात, जैसे एस टी आर क्या करेगा कि किसी नॉन स्ट्रिंग वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलेगा, ठीक है। वैसे देखो एक आई एन टी फंक्शन है, आई एन टी फंक्शन क्या करेगा कि अगर कोई फ्लोट वैल्यू है यानी जी या डेसिमल वैल्यू है तो उसे ये स्ट्रिंग वैल्यू में बदल देगा। ओके, इसी तरह से डेसिमल गैस नहीं है तो फ्लोट देखते, फ्लोट ठीक है। तो फ्लोट होएगा वो, अगर ऐसे लिखा है फ्लोट ऑफ 3 को 3.00 बना देगा। ओके, यानी कि अगर इंटीजर है तो उसमें डेसिमल लगा देगा 0.00, चाहे 3 लिखो चाहे 3.0 लिखो, बात एक ही है, बट वो उसको फ्लोट में बदल देगा। इज इट ओके? तो जी इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्या? टाइप टाइपकास्ट। कास्टिंग। सो एक चीज हमने पढ़ी कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन में भी आपने प्लस ऑपरेटर का यूज किया। यही प्लस ऑपरेटर जब ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ यूज होता है तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यही अगर आपका ऑल स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है तो उनको जोड़ के बड़ी स्ट्रिंग बना देता है। पर ये प्लस ऑपरेटर एक स्ट्रिंग और एक नॉन स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकता, तो उसके लिए ये टाइप कास्टिंग फंक्शन होते हैं। टाइप कास्टिंग फंक्शन जो हम लोग के पास है वो है एस टी आर इंट फ्लोट, और आगे और भी हम करेंगे, जैसे डेट 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 टाइम के भी अलग होते हैं तो वो हम आगे करेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, हर चीज को अगर हम एक ग्रुप में डिवाइड कर दें, जैसे हमने पहला ग्रुप बना दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और तुम्हें पता चल गया कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये और भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, जैसे उसमें मॉड्यूलस भी होता है, फ्लोर डिवीजन भी होता है, अदर लैंग्वेजेस में ये सब भी होते हैं, वील डिस्कस। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैबलो, यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन भी इसमें काम करता है और टाइप कास्टिंग भी। रिमेम्बर जब आप पाइथन या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कंसेप्ट यही है। ओके, सो जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं वो आपके पाइथन जब आप पढ़ेंगे या आर प्रोग्रामिंग मान लो आप पढ़ते हैं या एसक्यूएल पढ़ते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें वहाँ पे भी सिमिलर ही रहती हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके के कैलकुलेशंस पे हम लोग आज डिस्कशन करते हैं बेसिक, वो है आपका लॉजिकल कैलकुलेशंस। ओके, तो एक हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, एक और तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इज इट ओके? ठीक है, सो हम 3 पे करते हैं इसको, लॉजिकल कैलकुलेशंस। अब ये जो लॉजिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसमें क्या होता है, इफ देन एल्स और केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इफ देन एल्स एंड केस। ओके, इफ देन एल्स एंड केस,
हम लोग आज इफ देन एक सिंपल सा एग्जांपल आज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज का हमारा एग्जांपल ये है कि हमें ये दिख रहा है कि हर एक ऑर्डर में कुछ सेल्स हो रही है, हो रही कि नहीं, राइट। अगर हम इस ऑर्डर आईडी को रो आईडी से रिप्लेस कर दें तो हमें हर रो वाइज सेल्स दिख रही है, दिख रही है। जी अब इसमें कुछ सेल्स लो हैं, कुछ सेल्स हाई हैं या नहीं। जी जैसे ये $7 की सेल या $22 की सेल को हम लो कहेंगे एज कंपेयर टू $1700 या 900, ओके। तो मान लो कि इनको एनालिसिस करते वक्त कहा गया कि अगर सेल्स $1000 से कम है तो उसे लो कह दो, ओके। और अगर $1000 से ज्यादा है तो उसे हाई कह दो। कंडीशन समझ में आ रही। जी तो हम यहाँ से कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे जिसको कहेंगे सेल्स कंडीशन, कुछ भी ऐसा नाम रख लो, ठीक है। तो जी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ, ओके, इफ यानी अगर, और फिर लेंगे सेल्स वेरिएबल यानी अगर सेल्स ज्यादा है 1000 से, ओके। तो जी इसको कैसे बोलेंगे, अगर सेल्स ज्यादा है 1000 से देन क्या कह देंगे, हाई, ओके। जी एल्स क्या कह देंगे, लो, ओके, एंड, ओके। ये समझ गए, इफ देन एल्स एंड जो है ये एक सीक्वेंस होता है, ये हमने पहले भी बताया। जी इफ देन एल्स एंड, आगे चल के इसमें सपोज करो कि उन्होंने कहा कि अगर 1000 से ज्यादा है और 1500 से कम है, ओके, तो उसे मीडियम कहो, और अगर 1000 से कम है तो लो कहो, और 1500 से ज्यादा है तो हाई। वो आगे वो हम लोग कल करेंगे, ओके। पर आज हम लोग का टॉपिक इतना सा था कि हम लोग ने देखा ये। अब यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो ये जो इफ देन एल्स है ये हमारे एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जिसे लॉजिकल कैलकुलेशंस कहते हैं, ओके। ये जी जो आप सिंबल देख रहे हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर और भी होते हैं, क्या क्या, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। तो ये हम लोग कल इसको भी कंपेयर करेंगे। और आज फाइनली जब हम इस सेल्स कंडीशन को यहाँ पे टेबल में ऐड करेंगे तो ये देखिए जितनी भी सेल्स 1000 से कम है सब लो है, दिख रहा है, ये वाली हाई है क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा है, इज इट ओके। जी सो ये जो हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं। ये स्टेटमेंट तो खैर आ ही गया पे, और यहाँ पे जैसे सेल्स विद टैक्स का भी हमने बनाया, सो सेल्स विद टैक्स का भी हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, सेल्स विद टैक्स, और ये अभी मैं भेज भी दूंगा। और लॉजिकल जी कैलकुलेशंस के लिए जो हमने सेल्स कंडीशन नाम से बनाया ये, तो आज तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम जो है इन तीनों चीज़ों को करो, ठीक है, और करने के बाद बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिक्कत आ रही, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले वो चीज़ें सॉल्व करें फिर आगे बढ़ें।